बिहार में जमुई झाझा प्रखंड के रजला पंचायत मुखिया रुक्मणी देवी पति लक्ष्मी यादव के द्वारा पंचायत भवन में 72वां गणतंत्र दिवस झंडा उत्तोलन कर रवीना तिरंगे को सलामी दी गई और राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस का पर्व मनाया गया। झाझा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धमाना पंचायत पीरगाहा में प्रधानाध्यापक मनोज कुमार, सहायक शिक्षक नंद किशोर यादव एवं वार्ड नंबर 5 के वार्ड सचिव बजरंगी यादव झंडा उत्तोलन करते समय मौजूद रहे। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालय धमाना के प्रभारी मनोज कुमार के द्वारा झंडा उत्तोलन किया गया एवं लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया गया। उनके द्वारा बताया गया कि संभवतः 1 फरवरी से स्कूल सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। झाझा प्रखंड के मध्य विद्यालय बैजला में प्रधानाध्यापक सुरेश यादव के हाथों द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस झंडा उत्तोलन कर मनाया गया। वहीं इस मौके पर सुरेश यादव, नरेश यादव, मंजू देवी, मालती कुमारी, सतन देव यादव, सतीश कुमार भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उत्क्रमित मध्य विद्यालय पन्ना के प्रधानाध्यापक सीताराम गुप्ता एवं सहायक शिक्षिका दोनों ने मिलकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय पन्ना में सीताराम गुप्ता के हाथों द्वारा 72वां गणतंत्र दिवस आसमान में तिरंगा लहरा कर मनाया गया। विद्यालय में पहुंचे सभी अभिभावकगण, मेरे सहायक, हमारे हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ, हमारे मीडिया भाई, प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोग 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, देश की जब आज़ाद हुई और उसमें जब कोई कानून का सिस्टम का पालन करना सुनिश्चित किया गया तो हमारे देश में एक संविधान बनाने की योजना बनी और उस संविधान जब बन के तैयार हुआ उसे 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया और उसी दिन से हम सालों साल 26 जनवरी जब ये आता है तो ये हमारा एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में हम लोग इसे पूरा देश एक साथ एक समय के अनुसार इसे मनाते हैं और एक संकल्प लेते हैं कि हमारे देश में हमारा देश का जो कानून है, हमारा देश का जो संविधान है, उनके बनाए आदर्श पर हम चलें और दूसरे को भी चलने के लिए प्रेरित करें। लेकिन आज के पूर्व जो संविधान बना है वो तो हमारे पूर्वजों ने बना के गया है, लेकिन जिस तरह एक साल से हम लोग महामारी के दौर से गुजर रहे हैं कोविड-19 के लिए, तो थोड़ा सा हमें विशेष रूप से एक नए संविधान का भी चयन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम लोग का विद्यालय बिहार सरकार के निर्देशानुसार संभवतः है कि 1 फरवरी से खुलेगा। इसलिए 1 फरवरी से हम लोग स्कूल में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कैसे एक दूसरे से दूरी बना के रहें, इस चीज़ को एक नए संविधान के रूप में आज से हम लोग बनाने के लिए सोचेंगे कि आने वाले दिन में हमें कुछ कभी भी ऐसे महामारी के दौर से सामना ना करना पड़े खुद को। इसके लिए हम नई तैयारी के साथ नए सत्र में पुनः विद्यालय का संचालन शुरू करेंगे और इस चीज को हम लोग अपने स्तर से पालन करेंगे। जय हिंद। बिहार से केके न्यूज़ ब्यूरो, मिथुन कुमार की रिपोर्ट।